तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? शाबाश, ज्यादा होता जाएगा। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में दो इंसिक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर, आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ BeCl2, या ऑल हैव सेम। तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग को पढ़ाया था कि जब कंसंट्रेशन सेम होगी तो सबकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। लेकिन ये भी बताया था कि वहां पे सोल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन आयोनाइजेबल, या बोलने क्या होना चाहिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये तो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये क्या है? आयोनाइजेबल मींस दे आर इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे ये जब आयोनाइज होगा, इसके कितने पार्टिकल बनेंगे? टू। इसके कितने बनेंगे? 3 Na। जिसमें नंबर अगर कंसंट्रेशन सेम, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ज्यादा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? शाबाश बोले, BeCl2 का। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है आपके पास? ज्यादा है। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। अब यहाँ भी कंसंट्रेशन क्या है? सेम, 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर सुक्रोज, 0.1 मोलर शाबाश यूरिया, या डी ऑप्शन, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो गलत नहीं होना कि सबकी कंसंट्रेशन सेम नहीं। देखिए, जब सबकी कंसंट्रेशन क्या हो? सेम, और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो, तो इसमें किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी? जिसका मोलर मास क्या होगा? शाबाश बोले, कम होगा। क्यों? चूंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइड बाय, शाबाश बोले, बोले मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल और मोलर मास का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जितना मोलर मास ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज्यादा। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा, उतना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जबकि जितना मोलर मास ज्यादा होगा, उतने नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कम। जितने नंबर ऑफ मोल कम, उतने पार्टिकल क्या होंगे? कम। जितने पार्टिकल कम, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। सो ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम, सक्रोज का मास होता है 340 ग्राम, यूरिया का मास होता है 62 या 64 ग्राम है। सबसे कम मास किसका आ रहा है? यूरिया का। तो जिसका मोलर मास कम, उसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज्यादा। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी आपको मैंने कहा, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्राइस्कोपी, और इसको हम मेजर करते हैं बाय बेकमैन मेथड। इस मेथड से जो है इसका